उन्होंने इस स्कूल विद्यालय का नींव डाला है। अतिथि मुख्य प्रबंधक बैंक ऑफ इंडिया आदरणीय नवीन जी, लोकप्रिय एवं प्रसिद्ध शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर क्रांति किशोर जी एवं हमारे इस रौना ब्रांच के हरेक फंक्शन में हमेशा उपस्थित रहने वाले सर्वसुलभ शहर के प्रसिद्ध फिजिशियन एवं लोकप्रिय डॉक्टर नीरज कुमार जी, वरीय अधिवक्ता श्री राम किशोर जी, रिटायर्ड हमारे पास एक फौज के भी हैं जेसीओ श्री अखिलेश्वर शर्मा जी, आदरणीय मामा जी, आचार्य मुकेश नारायण जी, साथ साथ सभी सम्मानित अतिथिगण, अभिभावकगण, हमारे प्राचार्या महोदया, रौना ब्रांच हेड आदरणीय रजनीश जी, शशिकांत सर एकेडमिक हेड, फरहत मैम, सभी वह शिक्षक शिक्षिकाएं, सभी का मैं तहे दिल से सम्मान करता हूं एवं आभार प्रकट करता हूं कि इस कोरोना काल में जो लगभग अब वर्ष होने जाएगा, हम लोग को याद है कि 15 मार्च 2020 में हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा बिहार में विद्यालय को बंद किया गया था और 22-23 मार्च से संपूर्ण भारत में लॉकडाउन लगा था। तब से कितना पीड़ा विद्यालय, विद्यालय परिवार, विद्यालय के बच्चे, कर्मी सहकर्मी झेले हैं यह सर्व विदित है और जो विद्यालय के कार्य से जुड़े हैं वह तो अनुभव कर सकते हैं, काफी पीड़ादायक क्षण रहा है। शायद जो भी उपस्थित हमारे यहाँ पे लोग हैं वो अपने जीवन काल में इतना बुरा दौर वैश्विक आपदा के रूप में नहीं देखे होंगे। किसी शहर में आया, व्यक्तिगत आया, सुनते थे प्लेग आया, महामारी आया, तो सब बहुत पुराने, हमें नहीं लगता है कि यहाँ पर कोई उपस्थित लोग होंगे जो वह चीज देखे होंगे। तो ये वैश्विक आपदा से हम लोग गुजर रहे हैं और इसमें विद्यालय का हर कार्यक्रम को सेलिब्रेट, शांति निकेतन करते रही हमारे शिक्षक शिक्षिकाओं और प्राचार्या के मेहनत से, माध्यम से, तो यह हमारे लिए गर्व और बड़ी बात है कि आप लोगों ने आपदा को भी एक अवसर के रूप में प्राप्त किया कि हम लोग छोड़ेंगे नहीं, हम लोग इसको अपने स्तर से मनाएंगे, सेलिब्रेट करेंगे, इंजॉय करेंगे। जैसा कि जानते हैं कि गणतंत्र दिवस हम लोग क्यों मनाते हैं, बच्चों रहते तो कुछ मैं शिक्षा भी देता, इन शिक्षिकाएं हैं, उपस्थित लोग हैं। हमारा देश तो काफी कुर्बानियों के बाद, हमारे स्वतंत्रता सेनानी के शहादत के बाद 15 अगस्त 1947 को आजाद हो गया था, लेकिन हमारे देश को अपना संविधान, अपना कानून नहीं मिला था। उसके लिए लगभग 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगा, तब जाके 26 जनवरी 1950 को हमारा देश का अपना संविधान मिला। उस दिन से हम लोग गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। हमारा गौरव का क्षण यह भी है कि जो हमारा संविधान मिला वह विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। हमारा संविधान में वो सारी चीजें हैं जिसके आधार पर हम लोग जीवन जीते हैं। हम लोग एक बोलचाल के भाषा में बोलते हैं, कोई गलत बोलता है तो यह अनपार्लियामेंट्री वर्ड बोल रहा है, यह पार्लियामेंट्री वर्ड बोल रहा है। जो व्यक्ति पार्लियामेंट, पार्लियामेंट्री वर्ड, संविधान, संविधान के शब्द नहीं जानते हैं उनको भी अज्ञान है कि यह अनपार्लियामेंट्री बोल रहा है, पार्लियामेंट्री बोल रहा है। कहने का मतलब कितना तो सिविक सेंस हम लोग को सुनते, देखते, बात करते हो ही गया है कि क्या सही है, क्या गलत है। तो क्या क्या सही करना है, क्या गलत नहीं करना, यही संविधान में रहा। और यह एक आम व्यक्ति जो जीवन में गुजरता है दिनचर्या के माध्यम से, उसको यह पता होता है या फिर उसके लिए अध्ययन करने की जरूरत है। इस कोरोना काल में कुछ चुनौतियां विद्यालय परिवार के सामने आई थी कि हम लोग बच्चों को कैसे पढ़ा पाएंगे। कुछ अभिभावक इस बात को नहीं समझ पाए, उन्हें लगा कि चलो घर ही बैठा लेंगे तो काम चलेगा।
लेकिन सोच के देखिए, एक दिन, दो दिन, तीन दिन स्कूल मिस होता है, होता था तो स्कूल से नोटिस जाती थी कि आपका वार्ड, आपका बच्चा तीन दिन से एबसेंट है क्यों, यहां एक साल से एबसेंट है क्यों, इस क्वेश्चन का जवाब भी अभिभावक पता नहीं क्यों दूसरे रूप में देते हैं। कुछ लोग तो इस नाते रह गए कि क्या पढ़ाई हो पाएगा ऑनलाइन में। पढ़ाई तो चलते फिरते हो जाता है, पढ़ाई तो 5 मिनट बैठ के हो जाता है, कब कहां पे कौन चीज सीखेगा उससे पढ़ाई हो जाती है। और यह तो रूटीन और सिलेबस का चीज है, हर एक चीज का महत्व होता है, कोई भी इंपॉर्टेंट लेस वस्तु तो होती ही नहीं है विद्यालय और विद्यालय परिवार और विद्यार्थियों के लिए। अगर विद्यालय कुछ कह रहा है तो जरूर आपके जीवन में काम आने वाली बात है। आप अपने आप को एज ए गार्जियन और एज ए विद्वान समझ के मत देखिए, एज ए विद्यार्थी समझ के देखिए कि आपने स्कूल से क्या क्या पाया और क्या क्या खोया। और एक साल खोना तो बहुत बड़ी बात होती है। इसमें मैंने अनुभव किया कि मैं सुनता था कि गार्जियन कहते हैं मैं तो बच्चों के लिए शहर में घर लेके रह रहा हूं, बच्चा पढ़ाना हमारा प्रथम कर्तव्य है। पता नहीं इस कोरोना काल में कर्तव्य कहां चला गया। कुछ तो बातें लगी कि ठीक है, आर्थिक स्थिति कुछ खराब हुई थी, आर्थिक स्थिति कुछ का दिक्कत हुआ था, स्कूल उसको भी सोचने को तैयार था। मैं अपने स्कूल की सिर्फ बात नहीं कर रहा हूं, मैं वैश्विक स्तर पर बात कर रहा हूं जो विद्यालय प्रबंधन के साथ हुआ है। लेकिन फिर भी क्यों भाग रहे थे कि हम अभी नहीं पढ़ाएंगे, बाद में पढ़ाएंगे, यह बहाना है वह बहाना है। कहने के लिए तो लंबी लंबी बातें लोग करते हैं कि मैं तो घर द्वार बेच के बच्चों को पढ़ाऊंगा, और जो एक साल नुकसान हुआ भरपाई क्या कर पाएगा। गलतफहमी में है लोग, जो एक साल विद्यार्थियों का गुजरा है वह भरपाई नहीं हो पाएगा। कहां से मैनेज कर लेंगे आप 10 महीना का कोर्स, 3 दिन एबसेंट होने पर तो बच्चा 13 दिन पीछे जाता है, दूसरे के पेरेंट्स से लेकर होमवर्क कंप्लीट करना पड़ता है, यह अनुभव करते होंगे आप लोग। उसके बाद भी क्लास में वो 4 दिन तक कुछ बोलने की स्थिति में नहीं रहता है कि पता नहीं 3 दिन में क्या क्या छूट गया है, सर यह क्वेश्चन कर रहे हैं तुमको पता ही नहीं है, इसका जवाब हम कैसे दें। तो आप 10 महीना जो छोड़ दिए उसका जवाब कैसे देंगे आप। सीनियर क्लास के बच्चों को तो और ज्यादा दिक्कत हुआ है, यह समय लौट के थोड़ा ही आने वाला है। तो अभी भी जो पीछे रह गए हैं, ऑनलाइन क्लास कोई मजाक नहीं है, ऑनलाइन क्लास में कोई टाइम पास नहीं है, उसमें आप 5 मिनट 10 मिनट में अगर 10 शब्द भी सीख लिए हैं तो आपके काम का चीज है। और मैं देख रहा हूं तो ऑनलाइन क्लास में भी बहुत मेहनत हो रहा है और बहुत स्कूल मेहनत कर रहे हैं। सिर्फ मैं अपनी बात कभी नहीं करता हूं, मैं सारे लोगों की बात करता हूं, बहुत मेहनत हो रहा है। मैं तो इतना तक कर दिया था कि कोई बच्चे कमजोर है तो उसके लिए व्हाट्सएप पे बात कीजिए आप। हमारी टीचर्स ऐसा कर भी रही थी, वो व्हाट्सएप पे बात कर रही थी, कहां दिक्कत है, क्यों नहीं आप ज्वाइन कराते हैं क्लास, क्यों नहीं पढ़ाते हैं आप। तो मेरा कहना एक एक क्षण इंपॉर्टेंट है, और जब शिक्षा के लिए आप विद्यालय से जुड़े हैं तो बच्चों के भविष्य की चिंता विद्यालय परिवार हमेशा करती है। तो कम से कम अगर अपना विवेक, कुछ चीजें होती हैं जहां पे आप बीमार पड़े हैं तो अपना दिमाग नहीं लगाएंगे, डॉक्टर के भरोसे आप रहते हैं, वैसे ही शिक्षा का क्षेत्र है तो मास्टर के भरोसे रहिए, अपना दिमाग मत लगाइए। इसलिए मैं अभिभावकों को यह मैसेज देना चाहता हूं कि कृपया बच्चों के शिक्षा के प्रति गंभीर रहें, उनका एक एक दिन कीमती होता है, वह समय लौट के नहीं आता है। अपने आप को महसूस करके देखिए कि जो पढ़ाई या पढ़ना चाहते थे किसी कारणवश अगर नहीं पढ़े तो आप पश्चाताप होता है, जो चीजें आपकी छूट गई होंगी जितने दिन आप नहीं गए होंगे उस दिन में जो बच्चा पढ़ा होगा आपका सहपाठी आपसे आगे निकल गया होगा। तो इन सारी चीजों को, इस चुनौती को अवसर में बदलने का मौका था, आप लोगों ने उसमें कहीं ना कहीं कमी रखा है। मैं आज के दिन शिक्षक और शिक्षिकाएं उनको मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि इस कोरोना काल में आप लोगों ने पूरी तन्मयता से, पूरी ईमानदारी से आपने ऑनलाइन क्लास चलाया है। क्योंकि अभी 3 दिन पहले की बात है, डॉक्टर नीरज जी भी थे हमारे स्कूल में, आए थे ऐसे ही अचानक आ गए, तो 2-3 और अभिभावक आए हुए थे जो इस एरिया के DSP भी हैं, संजीत कुमार प्रभात जी पूरे परिवार के साथ थे, 2-3 जुडिशियल अफसर थे जिनके बच्चे हमारे यहाँ पढ़ते हैं वह भी आए हुए थे। तो उनकी मैडम से मैंने बात करके पूछा कि भाई ऑनलाइन क्लास का इफेक्ट कैसा चल रहा है। मुझे लगा कि इन लोग बताएंगे, सीरियस पेरेंट्स हैं, बच्चों के प्रति गंभीर हैं, बच्चों के एक एक दिन का एबसेंट, एक एक दिन का होमवर्क, क्लास वर्क पे बहुत सेंसिटिव रहते हैं। तो उन्होंने बोला कि बहुत बढ़िया चल रहा है, टीचर्स काफी मेहनत कर रही हैं, और फिजिकल भले कमी लगता है कि बच्चा स्कूल नहीं गया, स्कूल जाता था वहां कुछ खिलौनों से खेलता, कुछ एक्टिविटी करता, लेकिन एकेडमी के रूप में मुझे लगभग बहुत कुछ मिल जा रहा है।
होमवर्क भी बनाया जा रहा है, क्लासवर्क भी किया जा रहा है, और जो दिक्कत है कंफ्यूजन दूर भी किया जा रहा है। तो कहने का मतलब कि मैं सेटिस्फेक्शन का लेवल पेरेंट्स के लेवल से भी लिया कि नहीं, ऑनलाइन क्लास बहुत बढ़िया चल रहा है। तो मैं धन्यवाद देता हूँ आप लोगों ने कि बहुत अच्छा मेहनत किया है और काफी लगन से आपने किया है। जो भी मैम रहे, फरहत मैम हो, सवा मैम हो, सब लोगों ने अपने अपने स्तर पे, सीनियर जूनियर सब लोगों ने अच्छा, रुखसार मैम सब ने अच्छा काम किया है। तो इसी लगन से अभी हम लोग को करना है, सेशन अब आने वाला है नए सेशन से, एक दिन भी सेशन लेट नहीं हो रहा है। दिमाग में मत रखिएगा कि सेशन लेट हो रहा है। सीबीएसई बोर्ड मे में एग्जाम ले रही है, लेकिन हम लोग का सेशन वैसे ही चलेगा, चाहे वो ऑनलाइन के रूप में स्टार्ट हो या ऑफलाइन के रूप में स्टार्ट हो। 22 मार्च से हमारा सेशन स्टार्ट होने वाला है। क्रेन स्कूल का भी वही है और भी कुछ अच्छे स्कूल का भी वही है, क्योंकि बच्चों का समय हम बर्बाद नहीं करेंगे कि ऑफलाइन होगा कि ऑनलाइन होगा। ऐसे संभावना बन रही है कि हम लोग अब ऑफलाइन क्लास के रूप में आएंगे, और यह किलकारियों से यह स्कूल या प्रांगण गुंजेगा। विद्यालय के बच्चों के बिना विद्यालय की कल्पना हो सकती है? हम लोग तो उसी दौर से गुजर रहे हैं। कितना सन्नाटा लगता है, लोग कहता है कि घर सुना लगता है, बच्चा नहीं है, और विद्यालय में बच्चा नहीं है तो विद्यालय कैसा लगता होगा, विद्यालय के प्रबंधक और उसके शिक्षकों कैसा लगता होगा। बिल्कुल उस माहौल से हम लोग हैं कि लग रहा है कि सब कुछ है लेकिन कुछ नहीं है हमारे पास। हमारी पूंजी हमारे विद्यार्थी, हमारे बच्चे। तो यह बुरा दिन विद्यालय ने देखा है, और यह भावनात्मक क्षण हो जाता है जब हम विद्यालय में छात्रविहीन विद्यालय की कल्पना 10 महीना हम लोग करते हैं। प्रभु कम से कम दोबारा इस जीवन में, इस सृष्टि में ऐसा मौका नहीं दे कि इस तरह का जीवन भी लोगों को जीना पड़े। दूसरी बात, गणतंत्र दिवस के रूप में यह कार्यक्रम बना के कोरम पूरा करने की जरूरत नहीं है। हम लोग यह माने कि गणतंत्र का मतलब होता है अनुशासन। जैसे मैंने बोला कि संविधान में क्या अच्छा करना है, क्या बुरा करना है, क्या बुरा नहीं करना है, क्या अच्छा करना है, तो अनुशासन। तो हम लोग अनुशासन का पालन करने का भी संकल्प लें। अब गाड़ी पे हेलमेट लगा के चलना है तो हम लोग नहीं चलेंगे, तो अनुशासन तोड़ना है। फाइन आता है तो पैरवी के देखिए फाइन लग गया, भाई हम क्यों तोड़ रहे हैं अनुशासन, क्या मिल रहा है उससे, कितने देर के लिए स्मार्ट बन रहे हैं आप। तो मेरा कहना है कि अपने आप में जब नहीं उतारेंगे हम, मैं चल रहा था कुछ दिन पहले तो रामपुर थाना एक पड़ता है, तो वहां पे हमेशा चेकिंग लगा रहता है। तो मैंने अपने ड्राइवर को बोला कि तुम मास्क क्यों नहीं लगाए हुए हो और बेल्ट क्यों नहीं लगाया, मैं खुद अपना मास्क और बेल्ट लगा दिया। तो उसके बावजूद भी पुलिस रोकने लगी, तो मैंने पुलिस बंधु से बोला कि भैया मैं तो अनुशासन पालन कर रहा हूं। तो नहीं, मुझे लगा कि आप मास्क नहीं लगाए हुए, नजदीक से देख लीजिए। तो मैं लगाए हुए था तो मुझे बोलने की क्षमता मेरे पास थी, नहीं लगाए हुए था तो गिड़गिड़ाता। तो मैं अपने आप को क्यों कमजोर करूंगा, मैं खुद अनुशासन में रहूंगा तो अगले को सिखा सकता हूं कि गलत आप हैं, आप भी हमसे सीखिए और हमारा अनुकरण कीजिए। तो इस गणतंत्र दिवस में संविधान जो हमारा भारत का बना था, वह इसलिए नहीं बना था कि इसको कोरम बनाए और पूरा करें। उस संविधान का पालन करना हम लोग का दायित्व है, हम लोग की जिम्मेवारी है, और विद्यालय प्रबंधन और विद्यालय प्रशासन को तो और जरूरी है, क्योंकि हम लोग ऐसा करेंगे वही आचरण हमारे बच्चे सीखेंगे, हमारे विद्यार्थी सीखेंगे। तो इसलिए यह दायित्व शिक्षकों के ऊपर ज्यादा जाता है कि उसको हम लोग आत्मसात करें और उसको अपने जीवन में उतारें। मानसिक रूप से तैयार होना है कि मार्च से ऑफलाइन क्लास स्टार्ट हो सकता है, क्योंकि एक वैक्सीन का जो एक उम्मीद था, उम्मीद की किरणें थी, वो आ गया। वैक्सीन लगा, कोरोना भागा, यह दिमाग में बैठा लेना। उसके बाद कोरोना हो रहा है तो मानिए कि सर्दी खांसी हुआ है। हमारे डॉक्टर विशेषज्ञ लोग सब आए हुए हैं यहाँ पे, अभी डॉक्टर ऋषिकेश जी भी आए हैं जो खुद प्रसिद्ध शिशु रोग विशेषज्ञ एवं लोकप्रिय हैं, और हमारे इनके बच्ची अभी हमारे स्कूल की छात्रा भी हैं, अभिभावक के रूप में भी हैं, तो इनका मैं स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आज के दिन हम लोग संकल्प लें, जो भी हमारे शिक्षक शिक्षिकाएं अभिभावक हैं, कि अनुशासन का भरपूर पालन करने का प्रयास करेंगे। हम लोगों के सर्किल में किसी से नहीं सुनने को मिलेगा कि सीट बेल्ट नहीं बंधा, हेलमेट नहीं लगा और फोन आया, तो फिर लगा कि फिर मनाना बोलना बेकार है। और भी कुछ कार्यक्रम शायद हमारे शिक्षिकाओं और शिक्षक के द्वारा थोड़ा बहुत है, बच्चे रहते थे तो आनंद आता था, लेकिन हम लोग उसी के बीच में हम लोग इस गणतंत्र दिवस को मनाए और अपना विद्यालय परिवार के रूप में ही इसको एंजॉय करें।
धन्यवाद। जय हिंद।